नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स एक्सक्लूसिव के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पे 10 दैनिक प्रश्न करते हैं और पूरा का पूरा जो हमारा लेसन है वो हिंदी में होगा। अगर यही सेम लेसन आपको अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया हुआ है जस्ट उस पर क्लिक कीजिए और उस लेसन पे चले जाइए। दोस्तों, ये वाला जो लेसन है वो मेनली टारगेटेड है यूपीएससी वालों के लिए, और ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ यूपीएससी वाले ही इसे देख सकते हैं, जो अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी इसको देख सकते हैं। दोस्तों, इस लेसन की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो ये वाला जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप जस्ट उस पर क्लिक कीजिए और वहां पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। अब जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे, एग्जाम्स एक्सक्लूसिव फॉर ऑल के नाम से फेसबुक का ग्रुप ओपन होगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, डेली की अपडेट्स मिल जाते हैं। और दोस्तों, इसी नाम से टेलीग्राम का भी ग्रुप है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हमारे फेसबुक के पेज हैं, आप इन्हें लाइक कर लीजिए डेली अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों, मैं हूं धीरज शर्मा और चलिए आज का लेसन हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज 25 फरवरी 2019 है और जैसा कि मैंने कहा, दिस लेसन अवेलेबल इन इंग्लिश ऑल्सो, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। यह पाठ अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, लिंक विवरण में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से पोलर गैप परियोजना के उद्देश्य हैं? पहला देखते हैं, भूमंडलीय गुरुत्वाकर्षण के लिए नए उच्च रिजोल्यूशन गुरुत्वाकर्षण डाटा प्रदान करना। पहले वाला सही है। दूसरा देखते हैं, दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर अंटार्कटिका हिमखंडों की गतिकी का प्रशिक्षण करना। ये वाला भी सही है। तीसरा, दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में पूर्वी एवं पश्चिमी अंटार्कटिका की भूवर्गीय संरचना और उद्योग की खोज करना। ये वाला भी सही है। तो उत्तर क्या हो गया? 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। दोस्तों, ये है इसकी व्याख्या। इसके जो अन्य उद्देश्य हैं वो क्या-क्या है, वही है जो हमने ऑप्शंस के अंदर डिस्कस किए, तो आप इन्हें देख सकते हैं एक बार। अगर कहीं कोई शंका रहती है तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या कहता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की 2018 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मानव क्रियाकलापों के कारण प्लास्टिक का समुद्र बन गया या बन गए? पहला, अरल सागर, जी नहीं बना। दूसरा, भूमध्य सागर, बिल्कुल सही है। तीसरा, लाल सागर, नहीं। तो उत्तर क्या हो गया? केवल 2, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। तो देखिए दोस्तों, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भूमध्य सागर मानव क्रियाकलापों के कारण प्लास्टिक का समुद्र बन गया। दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, वैज्ञानिकों द्वारा साइनोबैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण के नए प्रकार की खोज की गई है, इस खोज के निम्नलिखित में से क्या प्रभाव हो सकते हैं? देखिए दोस्तों, अपने पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, यानी कि 2 कथन कह सकते हैं, ऑप्शंस तो नहीं, ऑप्शंस तो हमारे पास 4 है। पहला देखते हैं, यह दूसरे ग्रहों पर जीवन के प्रति समझ में परिवर्तन करेगा, बिल्कुल सही है। दूसरा, वैज्ञानिक और अधिक दक्ष फसलों के प्रकार तैयार कर सकेंगे, तो ये वाला भी सही है। उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। तो दोस्तों, ये है हमारी इस प्रश्न की व्याख्या। व्याख्या में वही है जो हमने 2 जो कथन है उनके अंदर डिस्कस किया। यह खोज प्रकाश संश्लेषण की आधारभूत समझ को बदल देगी और इससे ये सब कुछ होने वाला है। तो दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में भारत सरकार ने नए स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों की घोषणा की है, इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्थल है और इधर राज्य है, तो विदुर कुटी मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बिहार। तो ये वाला गलत हो गया। दूसरा क्या है? ब्रह्म सरोवर मंदिर, ये कहाँ पे है भाई? कहाँ पे है? हरियाणा में। लेकिन यहाँ पे क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो ये वाला भी गलत हो गया। अब तीसरे वाला क्या है? श्री राघवेंद्र स्वामी मंदिर, ये क्या कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो ये वाला सही मैच कर रहा है। अब पूछा क्या है? उपरोक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं? केवल तीसरा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। दोस्तों, ये है इसकी पूरी की पूरी व्याख्या। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है? पूछा गया है सही नहीं है। पहला देखते हैं, वह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो ये वाला सही तो है लेकिन हमारा उत्तर नहीं है क्योंकि हमें गलत बताना है। दूसरा देखते हैं, वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो ये वाला भी सही है लेकिन हमारे ये उत्तर नहीं है। तीसरा देखते हैं, वह सदस्यों को उनके विशेषाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। ये वाला भी सही है लेकिन हमें गलत बताना है तो ये वाला गलत है। तो यही हमारा उत्तर हो गया। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का विघटन करता है? जी नहीं। तो कौन करता है फिर? राष्ट्रपति करता है। जो लोकसभा होती है उसको भंग कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इसीलिए हमारा जो डी वाला ऑप्शन है गलत है। तो इसीलिए यही हमारा सही उत्तर है क्योंकि हमें जो सही नहीं है वही बताना था। तो दोस्तों ये है हमारी व्याख्या। यहां पे क्या है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? पहला, यह एक संवैधानिक निकाय है। गलत। दूसरा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। ये वाला सही है। तीसरा, आयोग को मानवाधिकार के उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार है। जी नहीं। तो यहां पे देखिए, पहले वाला जब हमारा ऑप्शन गलत हुआ था तो उसी समय पता लग गया था कि ऑप्शन बी सही होने वाला है, यानी कि केवल दो, क्योंकि सभी में एक एक और एक दिया हुआ है और सिर्फ बी वाले में नहीं था। तो यही हमारा उत्तर हो गया और फाइनली यही हमारा उत्तर हुआ। तो दोस्तों ये है हमारी व्याख्या। क्या है इस व्याख्या में? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक ना कि संवैधानिक, इसका गठन कब हुआ? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत। तो ये सभी चीजें हैं इसके अंदर। तो दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत की किस नृत्य विधा में मास्क का प्रयोग किया जाता है? देखिए यहां पे प्रश्न तो एक है लेकिन उसके बाद 5 प्रश्न और बन जाएंगे। यहां पे किस किस में मास्क यूज किया जाता है? पहला, कथकली, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है भाई? दूसरा है छऊ नृत्य, यहां पे भी किया जाता है। और तीसरा क्या है? दानव नृत्य, यहां पे भी किया जाता है। चौथा क्या है? भरतनाट्यम, नहीं किया जाता। पांचवा क्या है? सत्रिया, यहां पे भी नहीं किया जाता। तो उत्तर क्या हो गया? 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। अब यहां पे अगले 5 प्रश्न क्या होने वाले हैं? देखिए ये यहां पे 5 पॉइंट दिए हुए हैं। कथकली कहां का है भाई? केरल का। छऊ नृत्य कहां का है? बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा का। दानव नृत्य कहां का है? लद्दाख के बौद्ध मठों में। और भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु का। सत्रिया कहां का है? असम का। तो यहां पे ये 5 क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, यूपीएससी में पूछे भी जा सकते हैं। और यहां पे जो इंपोर्टेंट पॉइंट था वो क्या था? भरतनाट्यम और सत्रिया नृत्य कला में मुखौटे का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि मास्क का प्रयोग नहीं किया जाता। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, सिंह स्तंभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला है, यह गुप्त काल से मूर्ति कला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। जी नहीं, ये गुप्त काल का नहीं है। तो फिर कौन से काल का है? ये है मौर्य काल का। तो इसीलिए ये वाला गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं, यह बुद्ध द्वारा अंतिम धर्म उपदेश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया। ये वाला भी गलत है। तो कब बनाया गया था, किसकी ऐतिहासिक घटना में बनाया गया था, वो जानेंगे अगली स्लाइड में। यहां पे फिलहाल उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। दोस्तों सिंह स्तंभ की खोज 100 साल पहले वाराणसी के निकट सारनाथ में की गई थी, जिसे आमतौर पर सारनाथ सिंह स्तंभ के रूप में जाना जाता है। मौर्य काल में यह मूर्तिकला की सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है और यह बुद्ध द्वारा प्रथम धर्मोपदेश या धर्म चक्र प्रवर्तन के ऐतिहासिक घटना की स्मृति में सारनाथ में बनवाया गया था। इसे अशोक ने बनवाया था। तो यहां पे जो 5 इंपोर्टेंट पॉइंट है वो ये है और ये बड़े इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में क्वेश्चन उठ के आ सकता है यहां से। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन कौन सी नदियां अरब सागर में जाकर गिरती हैं? पहला क्या है भाई? पेनार, तो पेनार तो नहीं गिरती। दूसरी कावेरी, ये भी नहीं गिरती। तीसरी ताप्ती गिरती है। चौथी वेगई नहीं गिरती। पांचवी नर्मदा, ये गिरती है। तो यानी कि उत्तर क्या हो गया? तीसरा और पांचवा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया, केवल 3 और 5। तो दोस्तों ये है इसकी छोटी सी व्याख्या।
नर्मदा और तापी या फिर ताप्ती कहते हैं हम, नदी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। तो चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, गंगा और सिंधु नदी के अपवाह क्षेत्र के द्वारा बनाए गए मैदान के भौगोलिक लाभों को चुनिए। दोस्तों यहाँ पे 5 लाभ हैं, तो देखते हैं कौन कौन से सही है। पहला, उपजाऊ मिट्टी, बिल्कुल सही। दूसरा, अनुकूल जलवायु, बिल्कुल सही। तीसरा, समतल सतह जो रेल और सड़क निर्माण को सुगम बनाते हैं, ये वाला भी सही है। चौथा, नदियाँ, सही है। पांचवा, खनिज उत्पाद, ये वाला भी सही है। तो उत्तर क्या हो गया? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। यहाँ पे उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। दोस्तों उपरोक्त सभी गंगा और सिंधु नदी के अपवाह क्षेत्र के द्वारा बनाए गए मैदान के भौगोलिक लाभ है। तो दोस्तों यह लेसन आपको कैसा लगा, तो लाइक करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यही लेसन आपको इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी में देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है, आप जस्ट उस पर क्लिक कीजिए और उस पर चले जाइए। तो दोस्तों इस लेसन को पूरा पूरा देखने के लिए आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।